यहाँ पर इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड लोग कम हो सकते हैं। फोकस कुल मिला, मैं, मेरा नाम उत्पल कुमार आचार्य है, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और मैं लुधियाने में बैठता हूँ। और आज के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे हमने काफ़ी समय से प्लान किया था, जो आज आखिरकार हो पाया और बहुत खुशी है श्रीनगर में प्रोग्राम करके। और बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये कि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोग चीज़ों को जानें। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है जानकारी की। लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या वो कर सकते हैं, उनके करने के लिए क्या क्या है। तो आज के जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को जानकारी देना और क्या उनको फैसिलिटीज़ हो सकती हैं अवेलेबल जो वो कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें जहाँ पे उनको चीज़ों का ठीक से पता नहीं है वो पता हो। और साथ में ये कि आज के प्रोग्राम से ये भी निकल करके आ रहा है कि लोग ज़्यादा प्रोग्राम्स चाहते हैं और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे करें, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अवेयरनेस फैले। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्लीज़ प्लीज़ पूरी ट्रेड कम्युनिटी के साथ, जो यहाँ पे नहीं आए हैं उनके साथ भी यहाँ पे आए हुए लोग शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉलेज इज़ पावर। उसी की तरह से इन्फॉर्मेशन इज़ पावर कह सकते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन की पावर का, उस इन्फॉर्मेशन की जानकारी की और नॉलेज की ताकत का इस्तेमाल करें। ट्रेड के लिए भी बढ़िया होगा, हमारे लिए भी बढ़िया होगा और कलेक्टिवली हम सबके लिए बढ़िया होगा। थैंक यू सर। जो फीडबैक आपने कलेक्ट किया, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट में उनको डिफरेंट एजेंसीज के पास या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के पास अपनी रिपोर्ट्स पेश करनी होती है हर महीने, तो क्या वो फैसिलिटी आपको सिंगल विंडो सिस्टम के ही उनके लिए? देखिए, वो देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लायंस क्या है, किस चीज़ का है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स की सारी चीज़ों के बारे में मैं ऑफिशियली कुछ कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके तरफ से कोई अगर ऐसी चीज़ आए, कोई ऐसा सबमिशन आए जहाँ पे उन्हें लगता है कि मैं उनके हेल्प कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हैं। और कॉम्प्लायंस के पार्ट पे मैं ये भी देखूँगा, अगर वो मुझे बता पाए कि कहाँ कहाँ कौन सी दिक्कत उनको आती है, तो ऐसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के कंसर्न लोग हैं उनके साथ बात मैं करूँगा और इस इशूज़ को, जो भी इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। डायरेक्टर ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड की तरफ से रिसेंटली एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें कई स्टेट्स के लिए बताया गया था कि वो ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं विदाउट सम यू नो कंडीशंस। तो कुछ थोड़ा सा बताइए। कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी डोमेस्टिक कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अभी रिसेंटली राइस पे हुआ था कि जैसे हमारे यहाँ कोई जो पैदावार है वो कई बार कमज़ोर हो जाती है, तो किसी भी कंट्री या इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को हम एड्रेस करें। रही बात पैदावार जिन जो करते हैं, जो किसान हैं, उनको तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फ़ायदा है ही, यानी उनको उतनी कीमत तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनके इशूज़ को भी एड्रेस करना पड़ेगा ना। हर कंट्री पहले अपने लोगों के बारे में सोचती है, तो ऐसी ही चीज़ों पर कभी कभी कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं ज़रूरत को देखते हुए, ये चीज़ें होती हैं। सर, जो तो कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट है या आर्टिकल, उसको कितना स्कोप है उसको एक्सपोर्ट करने में? देखिए, हैंडीक्राफ्ट आइटम जो भी है, हमारे यहाँ का जो इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट आइटम है उसकी पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। ज़रूरत है हमें मार्केट को एक्सप्लोर करने की और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की। पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, हैंडीक्राफ्ट आइटम इतना है कि पूरा हिंदुस्तान के कोने से अगर अपना पूरा पोटेंशियल भी यूज़ कर लें और मार्केट भी पूरा एक्सप्लॉइट कर लें, फिर भी गुंजाइश बची रह जाएगी, इतना स्कोप है। तो स्कोप तो बहुत है, जरूरत है इस्तेमाल करने की। ठीक है, देखिए, एज एन एक्सपोर्टर मैं बता दूं, जब हमने स्टार्ट किया तो इतना अवेयरनेस नहीं होता था, और जब अप्लाई भी करते थे आई कोड के लिए तो 10-10, 20 दिन, कभी तो महीने लग जाते थे आई कोड। आज आपने खुद भी सुन लिया कि आई के लिए अप्लाई करो तो इंस्टेंटली आपको अवेल होता है, कुछ कंप्लेंट्स है, पैरामीटर्स है, वो आप कर लीजिए और आपको मिल सकता है और आप अपना एक कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ये तब ये सारी चीज़ें पता चल जाती है जब आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स होती है। तो आज भी हमने जॉइंट डायरेक्टर जो हमारे आगे थे DGFT के, तो हमने कहा उनको कि ये प्रोग्राम्स जो हैं कश्मीर में बिलखसूस ज़रूरत है, क्योंकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि एक्सपोर्ट में कितने एवेन्यूज़ हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये तब उनको पता चलेगा जब ऐसी इंटरेक्शंस होंगी। तो आपने खुद देखा कि लोग आए थे, वो इंडस्ट्री के लोग थे जो हमारी तरह हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी आए थे। तो मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में ये ज़रूरत है, और जहाँ एक्सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है।
तो जब ये बातें उठती हैं तब जाके आपका जो एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब ग्लोबल सिनेरियो जो है पिछले 4-5 महीने में एक्सपोर्ट डिक्लाइन ही दिखा रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो ऐसा ही है अभी। मगर इसमें ज़रूरत है कि आपकी अवेयरनेस कितनी बढ़ जाती है और नए लोग कितने जुड़ जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।